हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग, हमारी तो मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ पे देखो, जस्ट अभी उठे, चाय बना के चाय पियेंगे, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, और उसके बाद जो कल बाकी था काम वो आज करना ही करना है, तो वो करेंगे। तो इसको सोने देती हूँ, तो चलो चाय पे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टर्बो को नहीं दिखाया? ये देखो कैसे सोया है ये भी। अभी दाल होती रहेगी और अभी चावल भी रख दूंगी, और किचन का जो भी काम है वो निपटा के मैं अब भी करूंगी जो मेरा कल का काम बाकी था, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद करने बैठूंगी तो कल के जैसा ना हो जाए, इसके लिए मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगी। तो इसलिए मैंने अभी नहाया भी नहीं है। तो वो क्या काम है वो बाद में पता चलेगा, और क्यों मैंने नहाया नहीं वो तभी पता चलेगा। तो दाल मैंने चाय के साथ ही भिगा दी थी, अभी वो फटाफट से हो जाएगी। अभी तो भीग चुकी है तो नरम हो चुकी है। तो इसमें क्या है? दूध है। चाय के बर्तन में दूध उबला है क्योंकि ये दूध खराब हो चुका है, तो इसका मैं वही बनाऊंगी मावा। तो इसको पहले साइड में रख देते हैं क्योंकि ये हैंडल की वजह से ना बहुत बार गिरता है। तो इसके लिए इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर हमारा हाथ पर कुछ लगे ना, तो एकदम कोने में मैं यहाँ पर रख दूंगी। बर्तन हो चुके हैं, अभी मैं सिंक साफ कर रही हूँ। जब भी मैं बर्तन साफ करती हूँ उसके साथ सिंक पे भी एक हाथ मार देती हूँ।
सिंक साफ करने के लिए मैंने अलग से एक रखा है इस तरह के, एक देखो ये बर्तन वाला है और ये सिंक वाला है। तो अभी इम्पोर्टेंट काम को शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए सारे पौधे मैं घर के अंदर लूंगी और अभी बता भी दूंगी कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। और इसको इग्नोर कर देना, जब आपके घर में पेट्स होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए इसको तो मैं चेंज कर दूंगी, ये उग ही नहीं रहा है। कबूतरों की मेहरबानी, पूरा प्लान गया मेरा। इसको निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि देखो इसकी रूट्स है तो इसमें धागा अटकता है। Bye.
जो बॉटल से मैं इनको खाली कर दूंगी और इसमें नई कटिंग लगाऊंगी। आप देख सकते हो इतनी जड़ें इसकी बढ़ गई है कि इसमें से पौधा भी नहीं निकल रहा है बाहर और नीचे से ग्रोथ भी हो रही है। तो ये कटिंग मेरी लगाने के लिए रेडी है, मतलब अभी ये मैं मिट्टी में लगा दूंगी। इसको बस रहने दूंगी। ये सिंगोनियम की एक छोटी सी पत्ती है जो कि टूट गई थी। इनको भी रख देती हूँ यहाँ पर और बस इतनी, और वहाँ पे एक दो है। तो इन सब प्लांट्स की मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मिट्टी चेंज, मतलब मिट्टी थोड़ी सी इनमें भरूंगी, नई मिट्टी डालूंगी। वो बताती हूँ, मैंने मिट्टी लेके आई हूँ। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं सबको मैं अभी इनकी सारी मिट्टी निकाल के नई वाली मिट्टी उस मिट्टी में मिक्स करके सभी प्लांट्स की मिट्टी नई बनाऊंगी और इनके अंदर फिर से लगाऊंगी। एक्चुअली ये काम मैं बारिश के पहले करती हूँ, लेकिन उस टाइम हमें शिफ्ट करना था और ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे प्लांट्स है। और जब मिट्टी चेंज करते तब क्या हो जाता है, कभी कभी कटिंग्स निकलती है और ज्यादा, दो चार मतलब गमले हो ही जाते हैं। जैसे अभी इसकी देखो, इसकी इतनी बड़ी बड़ी बेल बन गई है, तो इसकी भी कटिंग निकलेगी। तो इसकी वजह से मैंने नहीं किया क्योंकि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तभी यहाँ पर आने के बाद 2-2.5 महीने हो चुके, तो अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनको थोड़ा टाइम भी देना था सेटल होने के लिए इस घर की एनवायरमेंट में। तो अभी हो चुका है, 2 महीने हो चुके, अच्छी तरह से सेट हो चुके। तो मैं अभी इनकी मिट्टी थोड़ी सी चेंज कर दूंगी, मतलब पूरी तरह से मैं चेंज नहीं करती हूँ। बहुत से लोग जिनके पास ओपन जगह होती है, धूप आती है, वो लोग क्या करते हैं, नई मिट्टी लगा देते हैं, पुरानी वाली मिट्टी सूखने के लिए, मतलब धूप में लगा देते हैं, जैसे कंबल वगैरह हम लोग रखते हैं ना धूप में, उस तरह से। तो पिछले साल की मिट्टी वो लोग इस साल यूज करेंगे और इस साल की मिट्टी अगले साल, तो वो मिट्टी को धूप दिखाते हैं उस तरह से। तो मेरे पास जगह नहीं है और धूप भी नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी मिट्टी उसमें ऐड कर देती हूँ। क्या, क्योंकि आप देख सकते हो इतनी छोटी से गमले में ये पौधे उग रहे हैं, तो इस मिट्टी की जो क्या बोलूँ मैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं साल में एक ही बार करती हूँ इस तरह से। अच्छा, मतलब क्वालिटी उसकी थोड़ी कम होती है मिट्टी की ना। हाँ। तो वो मेंटेन रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है, बदलना पड़ता है मिट्टी। जिनके पौधे जमीन में होते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिनके गमले में उनको इस ये सब करना पड़ता है। ओके। इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि अभी इस मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होंगे वो पौधे ने ले लिए होंगे, अभी ये मिट्टी उतनी काम की नहीं रहेगी। बराबर। तो जो मैं मिट्टी लाती हूँ उसमें कंपोस्ट भी होता है, तो मिट्टी भी चेंज हो जाती है, उनको खाद भी मिल जाती है। तो मैं मिट्टी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, इसमें कोकोपीट है और ये जो मिट्टी है इसमें कंपोस्ट मिक्स होती है, तो मुझे अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इतने में इन सारे पौधों का हो जाएगा। तो अभी सबको निकालेंगे और मिट्टी मिक्स करके फिर से गमलों में इनको भर देंगे। उसके लिए मुझे ये कैंडी का टब लगेगा। तो ये देखो मिट्टी, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी खाद होती है।
अभी गमलों में एक एक गमला में खाली कर दूंगी इस तरह से। तो इसी तरह से अभी मैं सबकी मिट्टी निकालूंगी। इसकी देखो रूट्स देखो। तो ये काम करते करते आपको पौधे की कंडीशन भी पता चल जाती है कि वो अभी किस तरह से है। तो इसको तो अभी रिपोर्टिंग की जरूरत थी। देखो इसकी मिट्टी पूरी तरह से, मतलब पूरा जो पौधा इसमें बहुत ज्यादा रूट्स हो गई थी, तो अभी इनको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मतलब इसको नए पॉट की जरूरत है। इसने अपनी ये जो सारी आपको व्हाइट दिख रही है ना, ये इसकी रूट्स है, इसकी जड़े है। और इसने अभी मिट्टी है ही नहीं, पूरी तरह से जड़े है, तो मैं अभी इसमें से मिट्टी निकाल भी नहीं सकती। तो इसको तो मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो ये देखो ये पेंडेनिस की कटिंग है जो कि इस बॉटल में लगाई थी मैंने, और उसने बॉटल का पूरी तरह से शेप ले लिया है। ये ढक्कन वाला जो हिस्सा है ना, ये इस तरह से हो गया है। तो हर एक पौधे ने इसी तरह से अपने अपने गमले का शेप ले लिया है। देखने में कैसा अजीब ही लग रहा है। यहाँ से उसने मतलब ये जो ढक्कन वाला पोर्शन है वहां से रूट्स देखो उसकी किस तरह से। अभी हंसने भी आ रहा है, जैसे जैसे मैं पौधे निकाल रही हूँ हंसने आ रहा है। अलग अलग शेप के, मतलब अलग अलग ही शेप आ रहा है हर एक में। जैसे जैसे मैं पौधे निकाल रही हूँ मुझे हंसने आ रहा है बहुत। अभी मैं इस मिट्टी में हल्दी मिला रही हूँ। सारे पौधे मैंने निकाल लिए, वहां पर देख सकते हो। तो ये मैं इसलिए मिला रही हूँ, अगर मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए, और अगर हमारे पौधों में कुछ इश्यू हो, जैसे कुछ बीमारी वगैरह होती है पौधों में भी, तो वो भी ठीक हो जाए। वही खाने वाली मिट्टी खाने वाली हल्दी मैंने यूज की है, ऐसी कोई स्पेशल हल्दी नहीं है। तभी सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब मैं इसमें ये मेरे पास मंदिर के जो फूल निकलते हैं उसकी मैंने इस तरह से एक थैली बना के रखी थी। आपने बहुत बार इसको खिड़की में देखा होगा, तो मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये सूखे फूल बहुत अच्छे होते हैं हमारे पौधे के लिए, इनसे भी खाद बनती है। तो मैं ये अभी निकाल के इसमें डाल दूंगी। जैसे सूखे पत्ते होते हैं, तो ये देखो इतने सारे फूल पत्ते हैं। अभी इनको इस मिट्टी के साथ मिक्स करना है।